मैंने तुझको देखा, तेरी ओर दिल फेंका, परी तू है वन की, कहना है नजरों का। नींद चुराई तेरी, इसने असर ना, तूने, तूने, ओ, कभी लहरों से बातें करता अधिराज, बीच पर एक्सरसाइज करता अधिराज, कभी समंदर किनारे घुड़सवारी करता अधिराज, तो कभी भाइयों संग मौज मस्ती करता अधिराज। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। ये है स्टार प्लस के सीरियल चकव्यू में अनामी के अधिराज यानी अंकित सिवाज की रियल दुनिया। मेरठ के रहने वाले अंकित यानी अधिराज असल जिंदगी में है बड़े ही मस्त मौला इंसान, और इनकी जिंदगी के इसी मस्त मस्त अंदाज से आज आप सबको रूबरू कराएगा सास बहू और बेटियां। तो अंकित के साथ डे आउट की शुरुआत करते हैं मुंबई में उनकी सबसे पसंदीदा जगह से। ये एग्जैक्ट जगह है जहाँ ये मेरा पहला दिन था बॉम्बे में, अब से 3.5-4 साल पहले। तो मेरा एक दोस्त है हिमांशु, तो मैं उसके साथ यहाँ पर आया था। मैं सुबह दोपहर को 2 बजे बॉम्बे पहुँचा और शाम को 5 बजे मैं यहाँ पे था। तो आई हैव एन इमोशनल कनेक्शन, बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं मेरे यहाँ से। जब भी टेंशन होती हैं, फ्रस्ट्रेशन होती हैं, तो मैं ज़रूर यहाँ पे आके बैठता हूँ। ना ये छीने हमसे आज़ादियाँ। यहाँ से बांद्रा दिखाई देता है, मढ़ दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि पूरा बॉम्बे यहाँ से देख सकते हो आप। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें बहुत बड़ी नज़र आती हैं, लेकिन इसको देख के लगता है कुछ भी नहीं है यार, प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है हमारी, तो ये सब कुछ कवर कर देता है। सुधरेंगे हम नहीं, सुधरेंगे। ये इकलौता टाइम होता है जब मैं अपने साथ होता हूँ, तो काफ़ी बातें भी होती है समुद्र के साथ। आप कभी ट्राई कर सकते हैं, ये सच में काम करता है। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां दुहंजूर उड़ दे। अंकित का समंदर से है गहरा नाता, और इसीलिए तो बातों ही बातों में उन्होंने सबको समंदर को साफ रखने की सीख भी दे डाली। पहली सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है अपना एनवायरनमेंट बचाना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम गंदगी फैलाएं। अभी हमारी बीच भी बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, तो इसीलिए हमारा पानी भी शायद ये गंदा नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किसी गवर्नमेंट को या किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो वी शुड टेक ओन दिस। समंदर किनारे अंकित ने सास बहू और बेटियां को मिलवाया अपनी एक खास दोस्त से, जिनका नाम है जोया। सो आई टॉक अबाउट जोया। जोया बहुत ही सपोर्टिव है अभी तक। तो बीच का असली मजा हॉर्स राइडिंग में ही है। आप खुद कितना भी भाग लीजिए, लेकिन जब आप किसी घोड़े के साथ भागते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। समंदर किनारे अंकित सिर्फ घुड़सवारी ही नहीं करते, बल्कि अपने आप को फिट रखने के लिए सागर की इन लहरों के बीच कसरत भी करते हैं। यानी अंकित की हर सुबह की शुरुआत होती है बीच की सैर के साथ। भाई अंकित के फिटनेस का राज तो हम जान गए, अब बारी है उनके घर की सैर करने और उनके अपनों से मिलने की। तो चलिए अंकित के साथ चलते हैं उनके आशियाने पर। पहले मैं आपको मिलवाऊंगा राजेश से, घर में घुसते ही सबसे पहले। ये मुझे मम्मी की कमी यहाँ पर महसूस नहीं होने देता है, मेरा बहुत ध्यान रखता है सुबह से लेकर रात तक, हर वक्त मुझे कोई कमी नहीं पड़ने देता, तो मेरा बिल्कुल छोटे भाई की तरह है।
अधिराज यानी अंकित उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई में इनका घर है अंधेरी वेस्ट इलाके में। तो देखिए सास बहू और बेटिया आज पहुंच गया है बनकर इनका मेहमान। ये हमारा हॉल है, यहाँ पे दोस्त वगैरह आते हैं, हम सब लोग यहीं पे पार्टी करते हैं, यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे रिहर्सल्स करते हैं अगर हम प्ले करते हैं कुछ भी, बिकॉज मोस्टली हम लोग एक्टर्स यहाँ पर बैठते हैं। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा कमरा, यहाँ पे मुझे बहुत शांति मिलती है वापस आके। आपको मैं सबसे पहले रॉकी से मिलवाना चाहूँगा, ही इज़ माई इंस्पिरेशन, सिल्वेस्टर स्टालोन। इनकी रॉकी के मैंने 6 के 6 पार्ट 7 के 7 पार्ट 50 बार देखे होंगे, मुझे नहीं पता कितनी बार देखे हैं। तो सुबह उठते ही मुझे ये पिक्चर देख के बहुत मोटिवेशन मिलती है। ये कुछ किताबें हैं जो मैं बोरो कर लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, उपन्यास हैं, कुछ नाटक हैं, कुछ कहानियाँ हैं, ये पढ़कर मैं अच्छा टाइम बिताता हूँ। कुछ किताबें वहाँ पर रखी हुई हैं, हारमोनियम है जिसपे कभी कभी रिहर्सल करता हूँ। पूरे दिन पूरी रात मेहनत करने के बाद ये मेरा सबसे प्यारा साथी है, यहीं पे आके मैं अपनी सबसे पर्सनल स्पेस शेयर करता हूँ। सो दिस इज़ माई रूम, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है घर में, यहाँ पे बैठता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ शांति से, काफ़ी ग्रीनरी दिखाई देती है, तोते आते हैं, कबूतर आते हैं, तो ये बड़ा प्यारा सा पार्ट है मेरे घर का। अंकित की फैमिली भले ही उनसे दूर रहती हो, लेकिन मुंबई में उनके साथ इस फ्लैट में रहते हैं उनके कजन ब्रदर्स, जो अंकित को परिवार की कमी महसूस नहीं होने देते। मेरे भैया का रूम है, संदीप भैया, ये मोहित है, ये मेरा छोटा भाई, संदीप भैया मेरे बड़े भैया, हम लोग साथ में रहते हैं और यहीं हमारी मेन मस्ती इसी कमरे में होती है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ पोस्टर्स दिखाई देंगे, गॉड फादर है हमारे पास, और हमारा फेवरेट सबसे प्यारा छोटू हल्क, एक बार हल्क हल्क मुझे दिखाना, ये हमारा मोटिवेटर है हल्क। कैसा लग रहा है आपको? ये कुछ बोलेगा भी नहीं है, हमेशा गुस्से में रहता है मगर फिर भी शांत रहता है। अंकित की अपने भाइयों के साथ मस्ती तो आपने देख ली, लेकिन अब बारी है काम पर चलने की। अंकित रहते हैं मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में और इनका सेट है फिल्म सिटी में, लेकिन इस वक्त का सास बहू और बेटिया ने किया सदुपयोग और रास्ते में अंकित से सुनी उनकी सारी कहानी। तो मेरा जन्म मेरठ में हुआ है, मेरठ से मैंने स्कूलिंग की है, स्कूलिंग के बाद फिर मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर नोएडा MIT से मैंने MBA किया, MBA करके फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुआ 2014 में मैं बॉम्बे आया, यहाँ जॉब कर रहा था, जॉब के साथ साथ ऑडिशंस और ये सब चीज़ें। एक हॉटस्टार का मेरा पहला ऐड था, वो हॉटस्टार का ऐड था, तो उसमें पूरा ऐसे साइन वगैरह सब बनाया था मैंने, पूरा ऐड मेरे ऊपर ही था, तो अनएक्सपेक्टेडली वो ऐड मुझे मिला। रात को फ़ोन आता है 3 बजे की, सुबह पुणे आ जाओ, एक ऐड है, मैंने कहा ठीक है, वहाँ पहुँचता हूँ तो पता लगा IPL का ऐड था। सो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई अपीयर्ड ऑन TV। इससे पहले मेरा एक ऐड आया था अराउंड 5-6 साल पहले, तो जब भी वो TV पे आता था मैं चैनल चेंज करता था कि घर वाले देख ना ले। सो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर 2-3 एड्स और आए, कुछ कुछ काम होता रहा, बाकी मैं इधर छोटे मोटे काम कर ही रहा था, जो भी काम किया मैंने फिल्म मेकिंग से रिलेटेड ही किया, ताकि मैं सीखता रहूँ, रुकू ना। स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ बैठता था, डायरेक्टर्स के साथ बैठता था, उनके उनको सपोर्ट करता था, असिस्ट करता था, तो ऐसे धीरे धीरे सीखता रहा, एंड देन दिस हैपेंड। अंकित के करियर पर ब्रेक उस वक्त लग गया था जब हो गया था उनका एक्सीडेंट, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो उनसे ही जानिए कि कैसे उनकी झोली में आया चक्रव्यूह के अधिराज का किरदार। 2 दिन के अंदर मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया जिसके साथ मैं कास्टिंग करता था पहले, कभीश, यार कोई भी अगर कोई भी ऑडिशन हो मुझे बता दे। तो ही सेड यार आज ही एक अर्जेंट ऑडिशन है, कल से परसों से उसका शूट शुरू है, देख ले तेरा एज ग्रुप पे देते ऑडिशन। तो दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन इन 6 मंथ्स, क्योंकि मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो मैं बिना प्रिपरेशन के ऐसे ही मुंह उठाया, जैकेट पहने चला गया, मैं कर देते हैं, मुझे नहीं पता था मैं किसका ऑडिशन दे रहा हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता था मैं करने क्या वाला हूँ वहाँ पर। ऑडिशन स्टार्ट हुआ, मैंने बोला ठीक है, मैं देकर आ गया, मैंने कहा क्या मतलब, मैं तो कैमरा फेस करने गया था खाली। द नेक्स्ट डे आई गेट अ कॉल फ्रॉम कवीश की यार सुन उन्हें तो तू पसंद आ गया, अभी तेरे पास चैनल से कॉल आने वाला होगा। मैंने कहा क्या मतलब, किस चीज़ का ऑडिशन था वो? तेरा टोल में भाई सुन, वो लीड है और रिश्तों का चक्रव्यूह नाम का शो है, स्टार प्लस का शो है। चक्रव्यूह के अधिराज बनकर भले ही अंकित ने सबका दिल जीत लिया हो, लेकिन उनके अपने दिल में तो आज भी उनका शहर मेरठ ही बसता है। मेरठ की सारी ही चीजें मैं मिस करता हूँ, आंखें बंद करके सोचूं सुबह मैं उठा
तो मैं अपना घर मिस करता हूँ, अपना बेडरूम मिस करता हूँ, अपना टीवी मिस करता हूँ, सुबह नाश्ता मिस करता हूँ, उसके बाद घर के बाहर जो बाइक्स पे हॉर्न बजते हैं भाई बाहर आ जा वो मिस करता हूँ, घर पे बोलता हूँ कि ट्यूशन जा रहा हूँ, उसके बाद जो बंक करके मैं कहीं भी निकलता हूँ वो मिस करता हूँ, मॉल रोड मिस करता हूँ, खाना पीना मिस करता हूँ, किसी भी वक्त क्रिकेट खेलना मिस करता हूँ, स्कूल बहुत मिस करता हूँ क्योंकि वही मेरा फाउंडेशन है, उसी की वजह से हूँ मैं जो भी हूँ। तो उम्मीद है कि सास बहू और बेटिया में आज आपको अंकित यानी अधिराज की असल जिंदगी में झांकने का मौका मिला और अब आप उन्हें बेहतर तरीके से जान पाएंगे।